सर नमस्कार, इस पाद यात्रा से तेलंगाना लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, तेलंगाना जब एक राज बना था तो बहुत वादे किए गए थे, एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, लेकिन ये सारे वादे एक परिवार तक सीमित रह गए और केवल भ्रष्टाचार और झूठे वादे यहाँ तक तेलंगाना सीमित रहा। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के लोगों को ये बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ये विकल्प है, ये अल्टरनेट है। 2024 में हम लोग तेलंगाना में भी अपना परचम लहराएंगे और निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार इस तेलंगाना को हम देंगे। और जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष बंडी संजय जी के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। और ये इस पदयात्रा से क्या हासिल करना चाहते हो? देखिए, लोगों तक पहुंचकर लोगों का जो असंतोष है उसको हम संगठित करना चाहते हैं। रिस्पांस कैसा है जी? बहुत अच्छा रिस्पांस है। आपने देखा होगा जिस दिन यात्रा निकली उस दिन से लेकर तो आज तक जनता का हुजूम है, जनता बहुत बड़े पैमाने पर शामिल हो रही है, आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। तेलंगाना लोग को आपका अपील क्या है? मेरा अपील इतना ही है कि जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, अलग अलग राज्य आगे बढ़ रहे हैं, तेलंगाना भी मोदी जी के पीछे खड़ा हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आए और जो आज लोगों को झूठे वादे किए गए, सच्चे वादे, पक्के इरादे और काम करके हम दिखाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।